हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का निव इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट जो हमारी एक 19 नंबर क्लास थी, वो कुछ इश्यूज के कारण आधी ही हमें देखने को मिली थी। तो उसी क्लास को आज थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं और जो चीजें हमारी उस टाइम छूट गई थी वो देख लेते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या था? भारत में प्रथम। इसका मतलब आप समझते ही है कि इंडिया में जो फर्स्ट है वो हमें पढ़ना है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। परमाणु मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर। ये होता क्या है अभी? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ होता क्या है, तो इसके लिए आपको ये जानने की आवश्यकता है कि भाई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब जहां से बिजली पैदा हो रही है, और बिजली पैदा होने के लिए अलग अलग सोर्स हैं, जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है या हाइड्रो पावर प्लांट भी है, तो वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है। तो ये पहला कौन था भारत का? इज इक्वल टू अप्सरा। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट था भारत की प्रथम पनडुब्बी। पनडुब्बी का मतलब होता है सबमरीन। सबमरीन मतलब एक ऐसा जहाज जो पानी के अंदर चलता है, या उसका अधिकतर भाग जो है वो पानी के अंदर दिखता है। ठीक है, तो बोला कि ये भारत की जो प्रथम परमाणु पनडुब्बी मतलब न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो है INS चक्र। और सिंपल पनडुब्बी या फिर डायरेक्ट पूछा जाए कि भारत की फर्स्ट सबमरीन कौन सी है, तो वहां पे आंसर आता है INS कावेरी। ये ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में कैसे रखें, दो है ना पनडुब्बी और एक परमाणु पनडुब्बी, तो आप ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। जब भारत ने पनडुब्बी बनाई, पनडुब्बी मतलब सबमरीन बनाई, तो बाकी के देश ऐसे ही उसको ऐसे सोच रहे थे कि यार क्या ही बड़ी अचीवमेंट कर दी इंडिया ने। क्योंकि जब भारत बनाई तब उस टाइम बहुत से ऐसे देश थे जो पहले बना के बैठ चुके थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें बना दी थी ऐसे ऐसे। पर जब भी भारत ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी बनाई, जब न्यूक्लियर सबमरीन बनाया भारत ने, तो उस टाइम क्या हुआ, उन सभी देशों के या उन सभी देशों को देख के चक्कर आ गया, यार इंडिया ने इतना आगे काम कर दिया, इतना ज्यादा भाई है ना डेवलपमेंट कर ली अपनी। तो ऐसा लॉजिक लगाना कि चक्कर आ गए किसे, जो देश हमारे ऊपर हंस रहे हैं। वास्तविकता में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस ये तो लॉजिक है ना चीजों को याद रखने का। नेक्स्ट, प्रथम विमान वाहक पोत। विमान वाहक एक ऐसा जहाज होता है जो जो हमारे हवाई जहाज होते हैं, जैसे मान लो कोई जेट फाइटर है, लड़ाकू जहाज है, युद्ध के दौरान आपातकाल के समय में उसकी एक एमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़े, तो उसके लिए भी विमान वाहक पोत का काम किया काम हो यूज में आता है। तो वो कौन सा है भाई? इंडिया का फर्स्ट INS विक्रांत। पहली जो हमारी मध्य दूरी वाली मिसाइल है उसका नाम अग्नि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र, या फिर अगर हम इसको बोलना चाहो प्रक्षेपास्त्र की बात करी जाए, तो इसको भाई अंग्रेजी में मिसाइल कहा जाता है। तो इंडिया की फर्स्ट मिसाइल है पृथ्वी, ऐसा ध्यान रखना। और जो मिड रेंज मिसाइल है, मध्य दूरी मिसाइल है, वो है अग्नि। भाई लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र मतलब न्यूक्लियर सेंटर। न्यूक्लियर रिएक्टर अलग चीज है, न्यूक्लियर रिएक्टर तो एक तरह की मशीन रख लेना आप, एक तरह की मशीन जिससे क्या, जिससे भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन किया जाए। पर न्यूक्लियर सेंटर मतलब वो परमाणु का केंद्र कौन सा बना, वो है तारापुर, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये है भाई। नेक्स्ट, प्रथम खुला विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है जहां से हम मतलब डिस्टेंस से भी, डिस्टेंस मतलब कॉलेज में रेगुलर ना जाके सीधा पेपर देके ही अपनी ग्रेजुएशन या फिर कोई भी हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये है कि पूछा जाता है कि इंडिया की फर्स्ट कौन सी है, तो वो है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय मतलब आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ये जो है ये इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी या खुला विश्वविद्यालय है। ये जो चित्र है ये आपको विमान वाहक पोत दिखा रहा है, INS विक्रांत। ये विमान वाहक पोत है, देखो इसमें रनवे बनाया ना, तो ये जो भी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है वो वही, उसके लिए विमान वाहक पोत है। ये है इज इक्वल टू INS विक्रांत, और आप इसको मान सकते हो इज इक्वल टू INS चक्र। INS चक्र मतलब जो परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली जो पनडुब्बी है, सही है। तो ये होती है पनडुब्बी। देखो पनडुब्बी का ना मैक्सिमम जो पार्ट है वो पानी के अंदर ही रहता है, और ये चलती भाई वैसे पानी के अंदर ही है ना। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन। इंडिया में फर्स्ट टाइम भाई जो एशियाई गेम्स हुए थे ना, वो हुए थे दिल्ली में और 1951 में।
सही है। ये बहुत से तरह तरह के भी गेम्स हैं, जैसे एशियन गेम्स है, ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ है, तो उसमें से भी पूछा जाता है एशियन गेम्स कब हुआ है। पेपर क्वेश्चन बनाया हुआ है दिल्ली 1951। और कॉमनवेल्थ खेल मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम कब हुए हैं, ये भी दिल्ली में ही हुए हैं और 2010 ईस्वी में हुए हैं। इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की है, ये आपको अलग से याद रखना है, इज इक्वल टू कुमार गुप्त, तो ये भी पढ़ लिया। नेक्स्ट, डीडी नेशनल का जो पहला सेंटर रहा है वो कहाँ रहा है? पीथमपुरा, नई दिल्ली। डीडी नेशनल सभी देखा करते थे ना भाई, आज से ठीक 20 साल पहले, 15 साल पहले हम भाई क्या देखा करते थे? डीडी नेशनल देखा करते, उस टाइम ज्यादा ये डिश टीवी वगैरह कुछ था नहीं ना। हाँ चले, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम, डीडी नेशनल में फर्स्ट टाइम जो भी कलर प्रोग्राम आया था वो कब स्टार्ट हुए थे? इज इक्वल टू 15 अगस्त 1882। इंपॉर्टेंट, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ से बताई जा रही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाया जाता है। चलिए, प्रथम मूक फिल्म, मूक मतलब इशारों इशारों में जो फिल्म होती है उसको हम बोलते हैं मूक फिल्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूंगे होते हैं ना, गूंगे जो बोल नहीं सकते हैं, वो इशारों इशारों बताते हैं ना, तो वैसे वैसे इसी तरह की एक मूवी बनी थी। और ये पहली जो बनी थी मूक फिल्म वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। आप ऐसा भी मान सकते हो, दिमाग में ये चीज रख सकते हो कि राजा जो है ना वो गूंगा था, कोई राजा था जो गूंगा था, और उस राजा का नाम था हरिश्चंद्र। और इस फिल्म को बनाया था 1912 में, राजा हरिश्चंद्र तो फिल्म का नाम है, गूंगी फिल्म का या फिर मूक फिल्म का, और बनाया था 1912 जो गोविंद सिंह फालके आप पढ़ते हो, ठीक है, जिनके नाम से फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है, तो वही 1912 में उन्होंने बनाया था। प्रथम बोलती फिल्म, पहली बार बोलती फिल्म बनाई आलम आरा, किसने बताई बनाई भाई? ये 1931 में बनाई गई है, अर्देशर ईरानी, अर्देशर ईरानी नाम से हैं जिन्होंने भी आलम आरा जो भारत की पहली बोलती फिल्म बनाई है और भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म, टेक्निकलर फिल्म बोला जाए तो झांसी की रानी है। तो ये 3 क्वेश्चन तो सुपर इंपॉर्टेंट बन गए भाई। मूक गुंगा कौन है, कैसे याद रखेंगे? कोई राजा भी गुंगा था, उसके नाम पे 1912 में फाल्के ने एक मूवी बना दी, इज इक्वल टू नाम था राजा हरिश्चंद्र। और बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा, यारा हो यारा, है ना, ठीक है। और बनाई किसने थी? कोई ईरानी था भाई, अर्देशर, अर्देशर ईरानी था। टेक्निकल फिल्म कैसे याद रखेंगे? आप सभी को पता है भी झांसी की रानी उत्तर प्रदेश से संबंध रखती थी, और उत्तर प्रदेश में ही झांसी एक क्षेत्र है जहां से भाई वो 1857 के युद्ध में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। तो भाई जो हर कोई ना झांसी की तरह नहीं काम कर सकता ना, वो कौन कर सकता है? एक टेक्निकल बंदा, टेक्निकल, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते थे कितने बार, तो ये टेक्नो है, टेक्नो मतलब थोड़ा बात सोच समझ के करता है, तो वैसे ही भाई झांसी को ध्यान रखना आप, इन्होंने भाई बहुत सोच समझ के लड़ाई झगड़े करे, मतलब 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, आवाज उठाई है। नेक्स्ट, 3D फिल्म, 3D, 3D मतलब आप ऐसे समझ लो 3D, 3D, ठीक है, तो फर्स्ट डी, सेकेंड डी, थर्ड डी, ये किसने है? वैसे होता तो वही 3D आप समझते ही हो, 3D, जैसे 2D डायमेंशन होता है, 3D डायमेंशन होता है, तो 3D डायमेंशन में जो पहली मूवी थी वो किसने बनाई थी? भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? माई डियर कुटी चातन, क्या बोलेंगे? माई डियर कुटी चातन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उल्टा सा है ना याद करना, तो भी 3D एक लंबा सा नाम है ना 3D भी, तो यहाँ पे माई डियर कुटी चेतन याद रखना उसको। प्रथम प्रायोजित सीरियल मतलब फर्स्ट टाइम जो जो टीवी है, टीवी पे जो प्रोग्राम या सीरियल आया था वो कौन सा था? हम लोग 1984 में चला था। भारत का प्रथम समाचार पत्र, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये जो भाई आपको PDF पढ़ाई गई है ये आपको पूरी याद रखनी पड़ेगी, इसका महत्व एग्जाम में बहुत अधिक है, हर एक डेट भी याद करने पड़ेगी, लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा भाई। मैंने सभी को यही बताया है कि भाई जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके के लिए एक अलग से कॉपी लगा लीजिएगा, ठीक है, और उसको लिख के पढ़े, ये नहीं याद होने वाला ऐसे कि नहीं चलते चलते स्टोरी सुन ली सर हो गया, नहीं 2 दिन बाद पूछोगे सब भूल जाओगे आप। नेक्स्ट, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय, ठीक है, एक ऐसा कार्यालय जहां पे महिलाएं ही थी तो वो कौन सा था? इज इक्वल टू जयपुर, फर्स्ट टाइम जो महिला रोजगार कार्यालय है वो कहाँ बनाया गया था? जयपुर में। और जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट सुविधाओं के लिए आप ब्रॉडबैंड नेटवर्क का नाम सुनते हो,
जैसे अभी इंटरनेट चल रहा है ना आपके फोन में, तो आप बोल रहे सर जियो का है, सर बीएसएनएल का है, सर एयरटेल का है, तो वैसे भी एक ना लाइन के थ्रू आती है नेटवर्क, उसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क सबसे पहले जो है वो किस ग्रामीण क्षेत्र में लगा था, वही वो केरला के इदुकी में लगा था। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इनको सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैं बोलता हूँ आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिएगा, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये 19 लेक्चर्स का ही एक पूरा भाग है। तो बाय बाय, मिलते हैं अब नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।